नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। जी हाँ, क्षेत्र के आटा सेमर हल्का के पटवारी विजेंद्र प्रताप सिंह ने सारे नियम कानून दिशा निर्देशों को ताक पर रखकर अपने निवास पर ही सात गांव के सैकड़ों नागरिकों को इकट्ठा कर लिया। और हद की बात यह है कि नागरिकों के बैठने और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी नहीं की। पटवारी साहब हल्का क्षेत्र में न जाकर चौकीदार से डोंडी पिटवाकर नागरिकों को नगर में बुला लिया और तहसील कार्यालय की जगह सबको अपने घर पर बुलाया और उनके कमरे में ही करीब आधा सैकड़ा नागरिक भरे हुए थे। जब इंडिया खबर लाइव के संवाददाता ने पटवारी साहब से पूछा कि कार्यालय किसकी अनुमति से चला रहे हैं, तहसील में क्यों नहीं बैठे, कोरोना संक्रमण फैलेगा तो कौन जिम्मेदार होगा, तब पटवारी साहब मौन हो गए। ताज्जुब की बात यह है कि अनेक पटवारी ना तो अपने क्षेत्र में जाते हैं और ना ही तहसील में बैठते हैं। इन सब ने प्रशासन को अंधेरे में रख रखा है। स्वयं के कार्यालय बना रखे हैं और वर्किंग के समय ही घर पर नागरिकों को इकट्ठा करते हैं, जो कि खुलकर दिशा निर्देशों के विपरीत है। अब देखना यह है कि वरिष्ठ अधिकारी इन पटवारियों पर क्या कार्रवाई करते हैं या नहीं। गंज वासोदा से एलन चौबे की एक रिपोर्ट। महाराज जी, कौन से गांव से आए हो? गढ़ायला। गढ़ायला से यहाँ जी पैसा जी मुख्यमंत्री वाले। तो कैसे सूचना मिली थी कि यहाँ पे ये मुख्यमंत्री वाला कार्य हो रहा है? पटवारी गांव तो मेरे घर पे है। ठीक है, तो उसने सूचना दी। ठीक है, तो बस ज्यादा से यहाँ 500 से ऊपर ही हूँ। नहीं कुछ नहीं, धोने की व्यवस्था? कोई व्यवस्था। मास्क वितरण? कोई व्यवस्था। 5-5, 6-6 फीट दूर एक दूसरे से बैठा लगाया गया? नहीं, बिल्कुल लग कर बैठे, कोई व्यवस्था नहीं। जहाँ शर्मा ग्राम सोठिया से, जे मुख्यमंत्री वाले पैसे मिल रहे हैं, जो उनकी सूचना है कि जो कागज़ जमा करो तब मिलेंगे, ये चौकीदार ने कही। चौकी गांव से? मेरे गांव से, मैं अकेला आया हूँ। अच्छा, अभी यहाँ पे कितने लोग हैं लगभग? जे सब बैठे होंगे तो 500 आदमी।